काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों की सुविधा के लिए किए गए खास इंतजाम। महाकुंभ 2025 में संगम नगरी प्रयागराज दिखेगी नए रूप में, गंगा की गोद में बनेगा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा हुई संपन्न, हरिद्वार से 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने उठाया जल। रेलवे प्रभु श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की कराएगी यात्रा, 24 अगस्त को चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात काशी विश्वनाथ धाम की। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन को इन दिनों रोज 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धूप बारिश के बावजूद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं देखी जा रही है। वहीं आने वाले भक्तों के लिए धाम में खास इंतजाम भी किए गए हैं। धूप और बारिश से बचने के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, साथ ही कूलर और पंखे लगाकर श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर परिसर सहित आने वाले मार्गों पर मैट बिछाई गई है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मयूराबाद से मलाका के बीच गंगा के ऊपर निर्माणाधीन पुल के बीचों बीच रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट यानी घूमता हुआ रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। इस रेस्टोरेंट से सैलानी एक ओर संगम तो दूसरी ओर कड़ा और श्रृंगवेरपुर धाम के विहंगम नजारे को देख सकेंगे। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू हुई कांवड़ यात्रा मंगलवार को शिवरात्रि के जलाभिषेक के साथ संपन्न हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इस यात्रा में 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने हरिद्वार से जल उठाया। शिवरात्रि के दिन भी 30 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने गंगा जल उठाया और अपने प्रदेश के लिए रवाना हुए। भारतीय रेलवे भगवान राम के भक्तों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी लेकर आई है। देखो अपना देश के तहत श्री रामायण यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए 24 अगस्त को नई दिल्ली स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। 19 रात और 20 दिनों की इस यात्रा का किराया प्रति व्यक्ति 73,500 रुपए है। साथ ही पहले 100 यात्रियों की बुकिंग पर 5% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यात्री इस पैकेज में अयोध्या, चित्रकूट और रामेश्वरम के साथ कई अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण मित्र योजना चलाई जा रही है। इस योजना में शहर का कोई भी नागरिक पर्यावरण मित्र के रूप में जुड़ सकता है। बता दें कि इस योजना के तहत प्लास्टिक के खिलाफ जंग और पेड़ लगाने जैसे काम में मदद करने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अयोध्या में स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़िये सरयू नदी में स्नान कर महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वहीं इसके अलावा पहले से लगे कैमरे भी एक्टिव कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में नया घाट, सरयू तट, हनुमानगढ़ी आदि पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों की भीड़ में सादी वर्दी में पुलिस के जवानों के साथ खुफिया विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। सुर्खियों से भरे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।